हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी रोज़ वीडियोस लाती रहती हूँ, वीक्स में 2 या 3 टाइम्स। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आए हैं SN मार्केट। मार्केट में एंटर करते ही मुझे ये स्टॉल दिखा जिस पे जो टी शर्ट थी सिर्फ 100 रुपीज़ में थी, और 100 रुपीज़ में इनके पास काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स टी शर्ट्स थी, क्रॉप टी शर्ट्स थी जो बहुत अच्छी थी, और इनका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। यही टी शर्ट कहीं कहीं पे 150 की भी मिल रही थी, और कहीं कहीं पे सेम टी शर्ट ये 200 की भी मिल रही थी। तो ये जो DLF वहाँ पे मॉल है उसके सामने इन भैया ने स्टॉल लगा रखा था अपना 100 रुपीज़ की सेल में। इनका फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छा था 100 रुपीज़ में। मैंने अपने लिए ये वाली टी शर्ट को बाय किया था। अब हमें ये कुर्ते प्लाजो का सेट मिला। ये प्लाजो सेट जो था वो 250 रुपीज़ में था। 250 रुपीज़ में इसमें कुर्ता भी था और साथ में प्लाजो भी था, और इनके पास कुर्ता प्लाजो की काफ़ी अच्छी रेंज थी और काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। और इनके पास आप थोड़ा पार्टी वेयर, थोड़ा सिंपल सोबर लेना चाहें 250 रुपीज़ में, आप इसे एज अ नाइट सूट भी पहन सकते हैं रात में, या घर में कैजुअली भी पहन सकते हैं। फिर मुझे वो जो सब्जी मंडी वाली लेन है उसमें मुझे ये भैया दिखे जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, और इनके पास ये सारी इयररिंग्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ की थी, और 30 रुपीज़ में बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास। जो भी आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंडी इयररिंग्स चल रही हैं वो सब इन पे थी, चाहे वो हुप्स इयररिंग्स हो, झुमकी हो, हर तरह की चांद बाली हो, कुछ भी हो, वो इनके पास सब अवेलेबल था सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ में। और हूप इयरिंग्स का तो इनके पास काफ़ी अच्छा और बहुत सारा कलेक्शन था। आप ये देख सकते हैं नीचे जो लोटस वाली इयरिंग्स हैं, ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो बहुत अच्छी और ट्रेंडी इनके पास इयरिंग्स थी, और ये सब्जी मंडी वाली लेन में लगाते हैं भैया। शेल वाली इयरिंग्स की भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, वो काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी, क्योंकि आजकल शेल काफ़ी ट्रेंड में है और इंस्टाग्राम पे काफ़ी कॉस्टली मिलता है। फिर सब्जी मंडी वाली लेन में ही मुझे ये शॉर्ट कुर्ते मिले जिनका प्राइस था सिर्फ 250 रुपीज़, और 250 में ये प्योर कॉटन थे, और काफ़ी अच्छी इन पर जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, थ्रेड वर्क जो था इन पर काफ़ी अच्छा हो रखा था। ये 250 की सेल में थे, और ये शॉर्ट कुर्ती थी। इन कुर्तियों में बहुत सारे कलर अवेलेबल थे, और साइजेस भी इनके पास अवेलेबल थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल तक। ये प्लाजो जो है ये काफ़ी घेर वाला प्लाजो था, और इसका प्राइस था 350 रुपीज़। फिर मुझे एक स्टॉल दिखा, यहाँ पे ये 100 रुपीज़ के जो नीचे टॉप रखे हैं कॉटन के और नेट वाले जो थे, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में ये वाले टॉप मिल रहे थे। और ये जितने भी आप शिमर टॉप देख रहे हैं ये सारे के सारे 150 रुपीज़ के थे। तो ये सब्जी मंडी से जब आप मुड़ेंगे तो वहाँ पे इन भैया ने ये स्टॉल लगा रखा था जो 150 रुपीज़ में दे रखा था। जो एक बिक्सी के बगल में मंदिर है वहाँ पे उसके पास में एक भैया लगाते हैं, वो इन्हीं टॉप को 200-250 का देते हैं, पर ये वाले भैया इन्हें 150 की सेल में दे रहे थे। और ये जो शॉप थी ये 101 जो शॉप है उसके अपोजिट में ही भैया लगाते हैं, तो इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, सिर्फ और सिर्फ ये 150 रुपीज़ में दे रहे थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैंने कहा था ना, सेम वैसी टी शर्ट यहाँ पे 150 की मिल रही है, और कहीं कहीं पे यही 200 की भी मिल रही थी। यहाँ पे मैंने ये हेयर बैंड देखे जो थे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में यहाँ पे आपको हेयर बैंड मिल रहे थे। ये जो टी शर्ट की रेंज है ये बिक्सी के सामने भैया लगाते हैं, और ये 100 रुपीज़ में टी शर्ट दे रहे थे। तो इनके पास जितनी भी ये टी शर्ट है 100-150 इसके रेंज में थी। ये जो ड्रेसेस थी ये 200 रुपीज़ की थी, और इन भैया की जो शॉप थी वो इंसेंस के जस्ट अपोजिट में ही इनकी शॉप थी,
ये जो ड्रेसेज हैं ये सेल रुपीज़ 200 में दे रहे थे, और इनके पास ड्रेसेस, जंपसूट, जंपर, शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, मिडी ड्रेस, हर ड्रेस वैरायटी थी। तो ये सिर्फ 200 रुपीज़ की थी और इनके पास काफ़ी वैरायटी थी 200 में। ऐसा नहीं छोटा मोटा स्टॉल हो, काफ़ी पूरी शॉप जो है वो पूरी 200 रुपीज़ में थी। आप कुछ भी लें वो 200 रुपीज़ का ही था इनके पास सारी ड्रेसेस। और ये जो प्लीटेड वाला जंपसूट है ये भी 200 रुपीज़ का ही था, जो बहुत अच्छा लग रहा था। इंसेंस की शॉप के सामने ही ये जो भैया हैं ये बैग दे रहे थे, जिनका प्राइस जो था वो 200 रुपीज़ में था। 200 रुपीज़ में ये बैग्स दे रहे थे। और जो आजकल फेमस जो है बीची टाइप वाले बैग्स जो चल रहे हैं जूट में, वो भी इनके पास 200 रुपीज़ में मिल रहा था। सरोजनी नगर में आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट्स के। तो ये जो स्कर्ट थी कहीं पे 100 की मिलेगी आपको, कहीं पे 200 की मिलेगी। पर ये जो भैया हैं इनका जो स्टॉल है वो बिग सी के अपोजिट में है, और ये स्कर्ट जो दे रहे थे वो 100 रुपीज़ में दे रहे थे। तो इनकी सारी स्कर्ट जो है वो 100 रुपीज़ में थी, और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी 100 रुपीज़ में। ये शॉर्ट प्लीटेड स्कर्ट भी, ये भी 100 रुपीज़ की, तो इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। ये प्योर कॉटन में सूट मिल रहे थे, और ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा फैब्रिक था इनका। तो अगर आप सेट के साथ लेंगे तो वो 300 का था, और अगर आप दुपट्टे के साथ लेंगे तो वो 350 रुपीज़ का सेट था। तो 350 और 300 के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास। तो ये वाले जो हैं ये विदाउट दुपट्टा हैं, तो इनका 300 प्राइस था। और इनमें काफ़ी कलर थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स थे इनके पास 300 रुपीज़ में। तो बहुत प्रिटी लग रहे थे देखने में, और फैब्रिक भी इनका सच्ची में बहुत अच्छा था। 300 के हिसाब से बहुत अच्छा फैब्रिक था। और ये वाले जिनके साथ दुपट्टा भी था, प्लाजो था और कुर्ता था, ये थे 350 रुपीज़ में। तो विदाउट दुपट्टा 300 के थे, और विद दुपट्टा 350 रुपीज़ के थे। आपको मार्केट में ऐसे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। मार्केट से अब मोस्टली जो है विंटर्स का जो है वो कलेक्शन जा चुका है, समर का कलेक्शन आ चुका है। तो अभी आप जाएं तो जो ट्रेंडी न्यू कलेक्शन है समर के लिए वो ले सकते हैं। ये भैया पार्क के पास में ही अपना वो लगाते हैं स्टॉल, और इनके पास कोई भी आप कुर्ता ले लीजिए वो 500 का है, चाहे वो लॉन्ग ड्रेस कुर्ता हो या फिर कुर्ता हो या प्लाजो कुर्ता सेट हो, 500 रुपीज़ में ये देते हैं। इनके पास काफ़ी वैरायटी थी 500 रुपीज़ में। देखा ना आपने कितनी सारी वैरायटी थी इनके पास, ये सारे कुर्ते 500 रुपीज़ में थे। फिर आगे जाके मुझे ये भैया दिखे, इन पे आप इयरिंग्स ले सकते हैं, मंगलसूत्र ले सकते हैं, पेंडेंट चेन ले सकते हैं। तो आप कुछ भी लेते हैं, सबके प्राइजेस अलग अलग थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, और सबके रेट जो है वो इन्होंने बैक साइड पर लिखे हुए थे। Savannah.
ये जो बैंगल्स थे इनमें स्टार्टिंग प्राइस जो था वो 100 रुपीज़ से हो जाता है और 300-400 तक जाता है इनका प्राइस। मार्केट में आपको ऐसे पार्टी वेयर बैग्स मिल जाएंगे, पर्स मिल जाएंगे या फिर पोटली बैग मिल जाएगा। इनका जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। 100 रुपीज़ में ही ये पोटली बैग दे रहे थे और 100 रुपीज़ में ही ये ऐसे वाले पर्स भी दे रहे थे, जो पार्टीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छे लगते हैं अगर आप इंडियन आउटफिट के साथ कैरी करें तो। ये 90 रुपीज़ में लोअर दे रहे थे और इसमें कुछ डेनिम में भी लोअर थे, तो इनका सेल प्राइस जो है सिर्फ 90 रुपीज़ में था। पर इनका फैब्रिक जो है वो प्योर कॉटन में था और कुछ कुछ डेनिम वाले फैब्रिक में भी थे, जो बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप लोअर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से 90 रुपीज़ में लोअर ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जो कि होने वाला है एक शॉप का जिनके पास काफ़ी ट्रेंडी कलेक्शन होता है, जो भी इंस्टाग्राम टॉप्स वगैरह ड्रेसेस होते हैं। तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक